यमी, वाओ। नमस्कार, मैं अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्विन चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के सामने चिकन की एक ऐसे बिहारी स्टाइल रेसिपी लेकर आई हूँ कि एक बार इस तरह से बनाकर आप खा लेंगे तो आप बोलेंगे कि पहले मुझे क्यों नहीं पता था, और बाकी सारे चिकन खाना भूल जाएंगे और इसी तरह से बनाकर खाना पसंद करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से तरी वाली चिकन, बिहारी स्टाइल चिकन बनाने जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ अभिलाषा किचन। Yummy, delicious. तो चलिए चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 केजी के लगभग चिकन लिया है, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। मैंने धोने की विधि आपको बताई है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देख सकते हैं कि चिकन कैसे आसानी से धोया जाता है, मैंने बताया है। यहाँ पे 2 केजी के लगभग चिकन है ये। तो अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी। तो मैरिनेट करने के लिए मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और एक मैंने नींबू निचोड़ लिया है, तो इसका रस मैं डाल देती हूँ, और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें नमक, और इन सभी को अच्छे से मिला दूँगी। और मिलाकर 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। मैरिनेट जब भी कर फ्रिज में रखे ऐसे मैरिनेट अच्छे से नहीं हो पाता, और फिर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहे तो मैरिनेट नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैरिनेट करके बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देखिए नींबू का रस और हल्दी नमक सबको अच्छे से मैंने मिला दिया। मिलाकर मैं 1 घंटे के लिए इसे रख देती हूँ फ्रिज में, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 1 घंटा हो गया है, चिकन मेरा मैरिनेट हो चुका है। तो अब मैं इस आगे प्रोसेस दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 केजी के लगभग प्याज लिया है, इसे इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने फोरन के लिए लिया है कुछ तेज़पत्ता, कुछ सूखी लाल मिर्च। बिहारी स्टाइल में चिकन बना रही हूँ तरी वाली, उसमें सूखी लाल मिर्च ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 चम्मच जीरा। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं मैंने, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जावित्री, लौंग और गोल मिर्च। यहाँ पे 4 कोट मैंने लहसुन के लिए अच्छे से मैंने धोकर साफ कर लिया है, इसके बिना फ्लेवर अधूरा रह जाता है बिहारी चिकन का। और यहाँ पे मैंने कुछ सूखे मसाले लिए, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर छोटा चम्मच, 4 मैंने टमाटर लिया है, यहाँ पे 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच चिकन मसाला लिया है, और 2 चम्मच मैंने भरकर धनिया पाउडर लिया है, और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिया है मैंने, ये भी मैं 1 चम्मच डालूंगी। इसे तीखा नहीं होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ गैस पे मैंने कढ़ाई ले लिया है, और उसमें मैंने 3 चम्मच के लगभग ऑयल डाल दिया है। ये मस्टर्ड ऑयल है, आप मस्टर्ड ऑयल में ही बनाए तो अच्छा फ्लेवर आएगा, अदरवाइज किसी और तेल में वो मज़ा नहीं आएगा जो मस्टर्ड ऑयल में आता है। तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल दूंगी चिकन और इसे फ्राई करूंगी 6 से 7 मिनट। तो मैं डालकर दिखाती हूँ, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, फ्राई करके मैं बना रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा चिकन पीसेस को डाल दिए हैं, गैस को लो टू मीडियम फ्लेम रखूँगी और इसे फ्राई करूँगी 6 से 7 मिनट। पूरा पकता नहीं है, 6 से 7 मिनट में फिर हल्का फ्राई हो जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। गैस पकाऊँगी बिजली में चलाते हुए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए 6 से 7 मिनट हो चुका है, तो चिकन फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ बर्तन में। तो देखिए चिकन को मैंने निकाल लिया है, और सेम कढ़ाई को मैंने धोकर वापस रख लिया है। ये गर्म हो जाए तो इसमें मैं तेल डाल दूँगी, मस्टर्ड ऑयल 4 चम्मच के लगभग, और फिर मैं इसमें प्याज मसाले डालूंगी, खड़े मसाले। ऑयल मैंने डाल दिया है, गरम हो रहा है, तो मैं इन सभी मसालों, खड़े मसाले जो है इसे डाल दूंगी। लहसुन कटा कर, लहसुन को बाद में डालूंगी जब प्याज मेरे भुन जाएंगे तब। और यहाँ पे मैंने ये नहीं दिखाया था, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का मैंने दरदरा कूट लिया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं, कट करके भी डाल सकते हैं, कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है दरदरा कूटा हुआ। और यहाँ पे मैंने जो टमाटर लिया था उसका मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया, उसे आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं, मिक्सी करके भी डाल सकते हैं, मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब तेल गर्म हो जाता है तो मैं इसमें डालूंगी खड़े मसाले,
देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें मसाले डाल दे रही हूँ। ऐसे 2 से 3 सेकंड के लिए चटकने दूंगी। तो मसाले चटक गए हैं खड़े मसाले, तो मैं इसमें ऐड करूँ प्याज। और मेरा सीक्रेट यहाँ पे करी पत्ता है, जो मैं इसे भी डालूंगी। इसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये बहुत फायदेमंद भी होता है, बहुत फायदा करता है। सभी चीज़ों में फायदा करता है, तो मैं इसे हमेशा अपने खाने में डाइट में शामिल करती हूँ। अगर आपको ना पसंद होता है तो इसमें कर सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है और फायदेमंद भी है, तो मैं अपने डाइट में हमेशा शामिल करती हूँ। इसे डालकर मैं प्याज को हल्का भून लेती हूँ लाल होने तक। तो देखिए प्याज लहसुन लाल हो चुका है। आधा चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ इसमें, और अच्छे से गल जाए और लाल हो जाए। और इस स्टेज में अब मैं डालूंगी इसमें जो मैंने कूटा हुआ लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट रखा था, इसे भर के 2 चम्मच में डाल देती हूँ। डाल के अच्छे से मिला देती हूँ। तो 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भूनूंगी, ऐसा किसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। अच्छे से इसे भून लेती हूँ और साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ इस स्टेज में जो मैंने लहसुन को ये कोट लिया था, इसे डालकर मिला देती हूँ अच्छे से। इसलिए अच्छे से पक गया। 3 से 4 मिनट हो चुका है लहसुन अदरक डालकर भूनते हुए अच्छे से भुना चुका है, कच्चापन दूर हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने सूखे मसाले लिए थे। यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया था 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया था, 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया था वो डाल देती हूँ, और 1 चम्मच मैंने चिकन मसाला, और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक आप स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी को डाल के अच्छे से मिला दूँगी। मसाले में थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहे तो पानी में घोल कर भी मसाले डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने 2 चम्मच के लगभग पानी डाल दिया ताकि मसाले मेरे अच्छे से मिल जाए और अच्छे से भुना जाए। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, कलर के लिए मैं डाल रही हूँ ताकि इससे कलर अच्छा है। वैसे डाल कर अच्छे से मिला देती हूँ। गैस को बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम रखूँगी। तो मसालों को तब तक भूनूंगी जब तक कि उसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट मसालों को भूनूंगी, उसके बाद मैं इसमें टमाटर का जो मैंने ग्रेट करके रखा था टमाटर उसे डालूंगी। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गया मसालों को भूनते हुए। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ जो मैंने ग्रेट करके रखा था, इसे भी अच्छे से मिला देती हूँ इस तरह से। और मिलाकर गैस को मैं लो टू मीडियम फ्लेम कर दूँगी और इसे तब तक भूनूंगी जब तक इस वजह से मसालों में से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। इसे ढक देती हूँ और बीच बीच में चलाते हुए इसे पकाऊंगी। चलिए मैं दिखाती हूँ मसालों में से कैसे ऑयल सेपरेट हो चुका है। देखिए नज़दीक से दिखाती हूँ कितने अच्छे से मेरे मसाले भून चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन जो मैंने फ्राई करके रखा था, इसे मैं डाल दूँगी इसमें। देखिए डाल दिया मैंने और इसे अच्छे से मिला देती हूँ मसालों के साथ। देखिए इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है। मिलाने के बाद मैं इसे ढक देती हूँ और बीच बीच से चलाते हुए मैं इसे पकाऊंगी 15 से 20 मिनट। देखिए गैस को बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है मैंने। 15 से 20 मिनट में पकाऊंगी, उसके बाद आगे आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो चुका है चिकन को भूनते हुए, कितने अच्छे से ये भुना गया पक गया है मसालों के साथ देख रहे हैं। मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। तो अब मैं इस स्टेज में डालूंगी पानी। यहाँ पे मैंने पानी को गर्म कर लिया है, थोड़ा सा गर्म पानी में डाल रही हूँ। जो मैंने बताया है मैं तरी वाली बिहारी स्टाइल चिकन बना रही हूँ, इसके लिए मैंने अच्छे से इसमें पानी डाला है ताकि इसे चावल के साथ भी अच्छे से खा सकते हैं, रोटी पूरी पराठे किसी चीज़ के साथ भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस तरह से मैंने पानी डाल दिया है। देखिए इतना ग्रेवी मैंने अच्छे से डाला है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन तरी वाली अगर बिहारी स्टाइल चिकन बना रहे हैं तो इसी तरह से बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं इसमें एक उबाल आने देती हूँ। तो देखिए उबाल आ गया है, तो गैस को मैं लो टू मीडियम फ्लेम कर देती हूँ और इसमें 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। हाथ थैली के बीच से क्रश करके मैंने रखा था और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने गर्म मसाला पाउडर रखा था उसे डाल देती हूँ और इन दोनों को अच्छे से मिला देती हूँ। और मिलाने के बाद 2 से 3 मिनट तक मैं और पकाऊंगी ताकि मसाले अच्छे से चिकन में मिल जाए और ग्रेवी में
मीडियम फ्लेम पे मैं इसे करके ढक देती हूँ 2 से 3 मिनट। चिकन बिल्कुल पक चुका है, उसे ज़्यादा नहीं पकाना है। 3 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 3 मिनट हो चुका है, कितने अच्छे से चिकन मेरा बनकर तैयार हो गया है। लग रहा है ना, बहुत ही स्वादिष्ट, देखने में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और बहुत आसान तरीके से बनकर तैयार हुआ है, आप सभी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। तो बार बार इस तरह से चिकन बनाकर खाना पसंद करेंगे, इतना ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वाओ, सो डिलीशियस, सुपर्ब, यम्मी, माउथ वाटरिंग।